आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर के चलूंगा वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन ऑफ जिम कॉर्बेट, जो कि है कॉर्बेट फॉल्स। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर थोड़ा सा वाइल्ड एनिमल्स का रहता है, कभी कभार कोई ना कोई वाइल्ड एनिमल यहाँ पर आ जाता है। और गाइस, करीब 200 मीटर का ट्रैक करके मैं पहुंच गया हूँ वाटरफॉल पे। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ जिम कॉर्बेट में और आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर के चलूंगा वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन ऑफ जिम कॉर्बेट, जो कि है कॉर्बेट फॉल्स। तो गाइस, जब हम जिम कॉर्बेट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जंगल सफारी ही आती है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, जंगल सफारी के अलावा भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, जिसमें से एक लोकेशन है ये कॉर्बेट फॉल्स। ये बेसिकली एक वाटरफॉल है जंगल के बीचों बीच और अभी अनएक्सप्लोर्ड जगह है, ज़्यादा लोग यहाँ पर अभी नहीं विजिट करते हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी, जो कि अभी क्योंकि ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं आते हैं तो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी जो है वो इंटैक्ट है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस जगह को भी एक्सप्लोर करें। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में किस तरीके का रहता है कॉर्बेट फॉल्स और आपको भी लेकर के चलते हैं। तो चलिए अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं अगर आप कॉर्बेट फॉल्स आ रहे हैं तो यहाँ की क्या टाइमिंग है। तो कॉर्बेट फॉल्स की जो टाइमिंग है वो 9 बजे से लेके 5 बजे तक है। दैट मीन्स 5 बजे जो है ये पार्क क्लोज हो जाता है, 5 बजे से पहले सबको यहाँ से बाहर जाना होता है, क्योंकि ये बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ का वो रहता है कि कभी कभी अगर कोई जानवर वगैरह कोई भी आ जाए तो फिर ये जल्दी भी बंद हो सकता है, लेकिन 9 से 5 की यहाँ पे टाइमिंग है। और अगर यहाँ के हम टिकट प्राइस की बात करें तो यहाँ पर जो एंट्री के एडल्ट के चार्जेस है वो हैं 50 रुपीज़ और बच्चों के लिए 25 रुपये की टिकट है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप अपनी गाड़ी लेकर के भी अंदर तक जा सकते हैं, क्योंकि 2 किलोमीटर का ट्रैक है तो आपकी गाड़ी जो है वो लास्ट तक जा सकती है और वहाँ से 150-200 मीटर का ट्रैक रह जाता है। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर के जा रहे हैं तो उसके जो चार्जेस हैं वो हैं 100 रुपीज़, और अगर आप 2 व्हीलर से जा रहे हैं तो उसके चार्जेस हैं 50 रुपीज़। उसके अलावा गाइस, अगर आप यहाँ पर कुछ शूट करना चाहते हैं तो अपने फ़ोन से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल कैमरा लेकर के जाते हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपीज़ पे करने होते हैं। और दोस्तों, कॉर्बेट फॉल्स की एंट्री पे ही आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा पार्क सॉर्ट ऑफ बना हुआ है, काफ़ी सुंदर सा बना हुआ है, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। और यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं एक मंदिर भी बना हुआ है, हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये ओवरऑल एंट्री पे ही जो ये जगह है काफ़ी अच्छी लग रही है। तो गाइस, हमने अपनी टिकट जो है वो ले ली है, और क्योंकि मैं गाड़ी से आया हूँ तो मैं गाड़ी को अंदर तक लेकर के जाऊँगा। आप देख सकते हैं ये एक ट्रैक है जिसके थ्रू आप अंदर तक जा सकते हैं, ये 2 किलोमीटर का ट्रैक है, उसके बाद फिर आई गेस 150-200 मीटर जो है वो हमारे को वॉक करके जाना होगा। तो पहले देखते हैं, ट्रैक को इन्जॉय करते हैं और फिर आगे चल के आपको वाटरफॉल दिखाते हैं। और गाइस, आप देख सकते हैं कॉर्बेट फॉल्स तक जाने के लिए जो 2 किलोमीटर का रास्ता है वो बिल्कुल एकदम डेंस फॉरेस्ट के बीच में से होकर के जाता है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर थोड़ा सा वाइल्ड एनिमल्स का रहता है, कभी कभार कोई ना कोई वाइल्ड एनिमल यहाँ पर आ जाता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पैदल जाने की बजाय अगर आप गाड़ी से जाते हैं या किसी 2 व्हीलर वगैरह से जाते हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर आप पैदल जाते हैं तो बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट के बीच में से होकर के आपको 2 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। तो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ कॉर्बेट फॉल्स की पार्किंग एरिया में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये कॉर्बेट फॉल की पार्किंग है, जो कि काफ़ी बड़ा पार्किंग स्पेस है। यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा सकती है, यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होती है और उसके बाद कॉर्बेट फॉल तक जाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर का ट्रैक है जो कि आपको पैदल ही जाना होता है। और जो स्टार्टिंग पे जहाँ से हमने टिकट ली थी वहाँ पर लिखा था कि पार्किंग तक का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा, वो अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर के आसपास ही था और उसके बाद ये पार्किंग एरिया आ गया। और अगर पार्किंग स्पेस की बात करें तो पार्किंग स्पेस काफ़ी अच्छा है, आप अपनी गाड़ी को इजीली यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। अब हमने भी अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, अब हम चलते हैं वाटरफॉल की तरफ और आपको भी दिखाते हैं किस तरीके का है वाटरफॉल। तो इस ट्रैक के दौरान आपको साइड में देखने को मिलेगा है, ये एक वाटर स्ट्रीम आ रही है जो कि डायरेक्ट वाटरफॉल के थ्रू आ रही है। तो इस पानी को जो है वो चैनलाइज किया हुआ है और साइड से ये वाटर स्ट्रीम आ रही है, पानी जो है वो एकदम साफ़ है। और जैसा कि कहा जाता है कि जंगलों में जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, तो उसका एक जीता जागता उदाहरण आप ये सामने देख सकते हैं। तो ये जो पेड़ है ये गिर गया होगा कभी किसी ज़माने में, आप देख सकते हैं इस पेड़ को जो है काट के हटाया नहीं गया, इनफैक्ट इसको बीच में से काट के अच्छे से काट के इसके एक सीढ़ी टाइप की बना दी गई है, जो कि एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि पेड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जंगल का। We'll be right back.
तो गाइस करीब 100 मीटर वॉक करने के बाद आप पहुंचेंगे इस वुडन ब्रिज पे। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा ब्रिज बना हुआ है ये। और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ब्रिज इज कि यहाँ से आपको जो व्यूज़ मिल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यूज़ मिल रहे हैं। आप इस तरह देख सकते हैं एक वाटर स्ट्रीम आ रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और इस तरह भी देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको वाटर स्ट्रीम देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है, ये फोटोजेनिक लोकेशन है और यहाँ पर आप अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह या वीडियोज़ वगैरह बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी लोकेशन है ये। तो अभी ट्रैक जो है ऑलमोस्ट 100 मीटर का ट्रैक हुआ है, तो अभी से ही इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। बाकी आगे चल के देखते हैं किस तरीके के और व्यूज़ मिलेंगे। गाइस करीब 200 मीटर का ट्रैक करके मैं पहुंच गया हूं वाटरफॉल पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो वाटरफॉल का व्यू आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है। काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है ये। और जो ट्रैक है 200 मीटर का वो भी वर्थ इट है, क्योंकि रास्ते में आपको काफ़ी ज़्यादा नेचर देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा आप उस ट्रैक को इन्जॉय करेंगे। ट्रैक के दौरान आपको जो है 20 से 30 सीढ़ियाँ मिलेंगी, तो अगर आपके साथ में कोई एल्डरली पर्सन है तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। वैसे इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा स्टीप सीढ़ियाँ नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं जो वाटरफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक चीज़, एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ, इस वाटरफॉल में नहाना जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मैनेजमेंट ने यहाँ पर चारों तरफ जालियाँ लगा रखी हैं, तो आप नीचे वाटरफॉल में उतर के नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टाइम पहले एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके अंदर एक आदमी की डेथ हो गई थी वाटरफॉल में गिरने से। तो जिसकी वजह से यहाँ पर नहाना जो है वो कम्प्लीटली बैन है। तो मेक श्योर करें कि आप वाटरफॉल में जाने की कोशिश ना करें। बाकी आप दूर खड़े होकर के वाटरफॉल का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया व्यू है। आप यहाँ पर थोड़ी देर अपना क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। तो गाइस एट द एंड आपने देखा कि ये जो कॉर्बेट फॉल है ये कितनी ज़्यादा अमेजिंग लोकेशन है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है ये। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, फ्रेंड के साथ आ रहे हैं, तो इस जगह को मिस ना कीजिए, क्योंकि जगह जो है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर आकर के यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। और यहाँ पर आने के लिए आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, आप थोड़े से समय में इस जगह को कवर कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट बढ़िया से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।